एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीनत हसन एकेडमी में। आज का टॉपिक है लॉजिक गेट कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। जैसा कि आपको पता ही है, अभी हमने स्टार्ट किया कंप्यूटर आर्किटेक्चर आपके रिक्वेस्ट पर, तो जल्दी जल्दी देखते जाइए इन ट्यूटोरियल्स को और सीखते जाइए कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जो कि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट माना जाता है। लेकिन मुझे यकीन है कि अगर आप मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप आसानी से इस सब्जेक्ट को सीखते चले जाएंगे। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी से कंप्यूटर साइंस के बहुत सारे ट्यूटोरियल्स आपको हमारे चैनल पर मिलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जो कि है लॉजिक गेट। हम लॉजिक गेट्स क्या होते हैं ये समझेंगे। देखिए, जो भी हम कोई डिजिटल सिस्टम की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करते हैं, तो हमें जो उसके अंदर की जो फंक्शनिंग होती है वो सिग्नल पे बेस्ड होती है। ठीक है, अब ये जो सिग्नल्स होते हैं, जो हमने बाइनरी नंबर जिनको हम कंप्यूटर में जानते हैं जीरो और वन के फॉर्म्स में, ठीक है, ये सिग्नल्स का रिप्रेजेंटेशन जो है हमें समझने के लिए उसे हम जीरो और वन कह देते हैं कि कैसे हमारा लॉजिक काम कर रहा है। एक्चुअली ये जीरो और वन जो बाइनरी है वो स्टेट होती है सिग्नल्स की, मतलब वोल्टेज की। अंदर जो आप सर्किटली अगर आपने देखा होगा किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का सर्किट, तो आपने देखा होगा उसमें कलरफुल ट्रांजिस्टर, डायोड वगैरह सब लगे हुए रहते हैं। तो वो किसी ना किसी लॉजिकल एक्सप्रेशन के तहत उनको जो है कंबाइंड किया जाता है, ताकि जब इस पे इस तरीके का सिग्नल आए, हाई वोल्टेज आए या लो वोल्टेज आए, तो किस तरीके से आउटपुट उसका आना है। तो इनको जो लॉजिक को समझा जाता है वो गेट के थ्रू समझा जाता है। जो हमारे गेट होते हैं वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होते हैं। फिजिक्स में जब हम डायोड ट्रांजिस्टर वगैरह जो हम पढ़ते हैं, उनके कॉम्बिनेशन से जो एक सर्किट बनता है वही गेट कहलाता है। जो गेट होते हैं उसमें हम मोर देन वन इनपुट दे सकते हैं, मतलब इनपुट क्या होगा, सिग्नल्स होंगे। वो सिग्नल्स का जो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो वोल्टेज और करंट है, लेकिन हमें जो दिख रहा है, हम जो पढ़ते हैं, वो जीरो और वन है। जीरो और वन एक्चुअली, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है, वोल्टेज या करंट लेवल को प्रदर्शित करते हैं, दर्शाते हैं। जैसे जीरो जो है हमारा बाइनरी नंबर वो जीरो वोल्ट को दर्शा ले, और जो वन है वो फाइव वोल्ट को दर्शा ले। जनरली ये जो स्टेट है जीरो वो ऑफ स्टेट कहलाती है। ठीक है, ये जो बाइनरी नंबर की हम बात कर रहे हैं, वन और जीरो, एक्चुअली क्या है, ये वोल्टेज है। यदि फाइव वोल्ट है तो इसको वन मान लिया जाता है और ये कहलाएगी ऑन स्टेट, और ये जीरो वोल्ट। ऐसा है नहीं कि जीरो ही मानना है, फाइव ही मानना है, वोल्टेज का लेवल अलग अलग हो सकता है, राइट। तो ये जीरो वोल्ट को हम मान सकते हैं ऑफ स्टेट माना जाता है। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे ट्रू और इसे हम बोलेंगे फॉल्स। ठीक है, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम का आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर है, क्योंकि कई बार हम पूरा आर्किटेक्चर और पूरा डिजिटल सिस्टम पढ़ लेते हैं और हमें समझ में नहीं आता है कि वन और जीरो वास्तव में है क्या, किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वन और जीरो वोल्टेज लेवल को रिप्रेजेंट करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी इसकी क्या है, वोल्टेज या करंट लेवल को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बात करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ फंक्शनिंग हमें करवाना पड़ती है। कंप्यूटर से भी हमें ए प्लस बी इक्वल टू सी करवाना है, तो उसके लिए हमें उसको क्या करना पड़ता है, कमांड देना पड़ता है। तो अंदर कैसे फंक्शनिंग होगी, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को आपस में कनेक्ट किया जाएगा, ट्रांजिस्टर कैपेसिटर डायोड को वो किस तरीके से आपस में कनेक्ट किया जाएगा कि वो फंक्शनिंग परफॉर्म हो, वो हम समझते हैं अपने कॉपी पेन में लॉजिक गेट के द्वारा। ठीक है, तो लॉजिक गेट क्या है, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक एक्सप्रेशन, या जिसको कहते हैं हम बुलियन एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करते हैं। बुलियन एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं। कैसे करेंगे वह हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम समझते हैं कि बेसिक जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, किस तरीके से उसकी फंक्शनिंग होती है, किस तरीके से 1-0 के फॉर्म में उसमें इनपुट आता है और आउटपुट कैसे आता है। लॉजिक गेट्स जैसा कि यहाँ पे हमने डिफाइन करके रखा है, जो कि मैंने आपको बताया भी है, आप साथ साथ नोट्स भी प्रिपेयर करते चले हमारे ट्यूटोरियल से। लॉजिक गेट्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सिस्टम। लॉजिक गेट्स आर द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स
विच कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट द लॉजिक एक्सप्रेशन. यहाँ हम लॉजिक गेट कुछ इस तरीके से बनाएंगे अपने, लेकिन वास्तव में ये जो लॉजिक गेट का जो सिम्बॉल होता है, ये सिम्बॉल होता है एक्चुअली, वास्तव में ये एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है. आपको इस तरीके से डायोड वगैरह कॉम्बिनेशन में, ट्रांजिस्टर वगैरह इस तरीके से फिजिकल अगर इसको देखना चाहें तो इस तरीके से आपको कुछ दिखेगा वो, राइट. तो हमें अपने कंप्यूटर में इस तरीके से सिम्बॉल ही यूज़ करना है और सिम्बॉल के थ्रू लॉजिक कैसे एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट करना है वो देखना है, राइट. तो हम यहाँ फिजिक्स पे नहीं जाएंगे, अभी हम कंप्यूटर पे ही रहेंगे, राइट. तो विच कैन बी यूज टू इम्प्लीमेंट द लॉजिक एक्सप्रेशन, और ये लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या कहलाती है, बुलियन एक्सप्रेशन कहलाती है एक्चुअली, यू कैन से बुलियन एक्सप्रेशन, राइट. एक और लाइन आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं कि जो हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं ना, इसमें कितने इनपुट और कितने आउटपुट होते हैं. लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट कैन हैव वन और मोर देन वन इनपुट, ठीक है. ये जैसे कोई लॉजिक गेट होगा ना, कोई सा भी लॉजिक गेट, अभी हम देखेंगे कौन कौन से होते हैं लॉजिक गेट होगा, उसके एक इनपुट हो सकता है या एक से अधिक इनपुट भी हो सकते हैं, लेकिन इसका जो आउटपुट होगा वो सिर्फ एक ही होगा, ठीक है. तो मोर देन वन इनपुट बट ओनली वन आउटपुट, राइट. ये बात हमें क्लियर हो गई कि किसी भी लॉजिक गेट में एक से अधिक इनपुट हो सकते हैं. इनपुट क्या होंगे, बाइनरी होंगे, वन और जीरो के फॉर्म में होंगे, सिग्नल्स के फॉर्म में होंगे, और वन और जीरो का कॉम्बिनेशन करके वो आउटपुट में वन देगा या जीरो देगा या किसी और स्टेट में पहुंच जाएगा. तो ये वन और जीरो ही देगा, सॉरी, फ्लिप फ्लॉप में स्टेट होती है, तो वन और जीरो ही देगा लॉजिक गेट में. तो आउटपुट में वन और जीरो के कॉम्बिनेशन से वन आएगा या जीरो आएगा, इसका जो डिसीजन होगा वो होगा आप किस तरीके का लॉजिक गेट यूज कर रहे हैं. आप और गेट यूज कर रहे हैं, आप नॉर गेट यूज कर रहे हैं, आप एंड गेट यूज कर रहे हैं, आप एक्सऑर गेट यूज कर रहे हैं, नैंड गेट यूज कर रहे हैं, तो कौन सा गेट आप यूज कर रहे हैं, कौन से गेट की फंक्शनिंग, सबकी गेट की फंक्शनिंग क्या है, फिक्स है. सबका गेट का जो 1-0 का कॉम्बिनेशन का आउटपुट आने वाला है वो क्या है, फिक्स है. और वही हमें देखना है कि डिफरेंट डिफरेंट जो गेट्स होते हैं उनका इनपुट कॉम्बिनेशन कैसे होता है, तो उसका आउटपुट क्या आता है, 1 आता है या 0 आता है, राइट. दूसरी चीज ये, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक से अधिक इनपुट हो सकते हैं, राइट. तो एक से अधिक इनपुट मतलब कि हम मान लेते हैं सपोज n इनपुट है, कितने हैं, n इनपुट है, ठीक है. लॉजिक गेट का जो फंक्शनिंग है वो हम समझेंगे ट्रुथ टेबल के थ्रू. ठीक है, जैसे ये x इनपुट हो गया, ये y इनपुट, दो इनपुट हो गए और यहां पे हो जाएगा आउटपुट. तो ये जो इनपुट है ये क्या होंगे, जीरो और वन के कॉम्बिनेशन में होंगे. दो इनपुट हैं तो कितना कॉम्बिनेशन हो जाएगा, टू की पावर टू यानी फोर. मतलब ये हमारे रोज कितनी बनने वाली है, फोर, जीरो 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 वन, वन जीरो वन वन, ठीक है. इतने कॉम्बिनेशन पॉसिबल होंगे और फिर हमें देखना पड़ेगा कि जीरो जीरो में आउटपुट क्या आ रहा है, जीरो वन में आउटपुट क्या आ रहा है, वन जीरो में क्या आ रहा है और वन वन में क्या होगा, ठीक है. तो ये कहलाएगा क्या, ट्रूथ टेबल, राइट. ठीक है, आपको ट्रूथ टेबल भी पता चल गया क्या होता है, लॉजिक गेट भी पता चल गया क्या होता है, कितने इनपुट होंगे तो हमें कितने कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा वो भी आपको पता चल गया क्या होता है. तो अब हम देखते हैं कौन कौन से बेसिक गेट्स होते हैं, उनका सिंबॉल क्या होता है और उनकी फंक्शनिंग देखेंगे किसके थ्रू, ट्रूथ टेबल के थ्रू, राइट. चलिए, जो हमारे बेसिक गेट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं. नंबर वन, एंड गेट, कैप्स में लिखना आपको. नंबर टू, और गेट. एंड नंबर थ्री,
नॉट गिफ्ट, राइट। तो ये होते हैं बेसिक गिफ्ट, ठीक है। इसके बाद बेसिक गिफ्ट हो गए, इसके बाद फोर्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे एक्सॉर्गेट, इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव ऑर्गेट, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे हम पढ़ेंगे नॉट एंड यानी नैंड गेट, और सिक्स नंबर पे हम पढ़ेंगे नॉर गेट, और उसके बाद हम लास्ट में देखेंगे इसका नॉट। इसके नॉट को लिखते हैं एक्स नॉर गेट, राइट। तो ये बेसिक गेट क्यों कहलाएंगे, क्योंकि इनकी जो फंक्शनिंग होगी इसको ही हम थोड़ा सा चेंज करके इन गेट्स को बनाते हैं। पहले इसको समझ लेते हैं तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये बेसिक गेट क्यों कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंड गेट। एंड गेट में सबसे पहले इसका सिंबल देख लीजिए, एंड गेट का सिंबल होता है ये, ठीक है। ये हो गया आपके इनपुट और ये हो गया आपका आउट, राइट। अब इसका फंक्शनिंग क्या है, नैंड गेट कहता क्या है, तो इसके देखने के लिए हमें क्या करना है, ट्रुथ टेबल बनाना है। अभी हमने दो इनपुट लिए हैं तो दो हमारे कॉम्बिनेशन से, दो इनपुट से हमारे कितने कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं, चार कॉम्बिनेशन बनेंगे, 0 0 1 0 0 1 और 1 1, राइट। ये हो गया सपोज एक्स इनपुट, ये हो गया वाई, और ये आउटपुट के लिए आप ओ लिख दिया मैंने आउटपुट सिग्नल को, ठीक है। तो एक्स हो गया, ये वाई हो गया, आउटपुट के लिए ओ। अब एंड गेट हमारा क्या कहता है, एंड गेट ये कहता है कि जब भी यहां पर 0 और 0 आएगा, 0 और 0 सिग्नल यानी लो वोल्टेज आएगा, तो उसका कॉम्बिनेशन यदि आप एंड गेट बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, तो एंड गेट ये कहता है कि इसका आउटपुट जो है तभी 1 आएगा जब दोनों पे 1 आएगा, अदरवाइज जो आउटपुट है वो 0 आएगा। मतलब 0 0 पे भी 0, 1 0 पे भी 0, 0 1 पे भी 1, और 1 1 पे, सॉरी 0 1 पे 0 और 1 1 पे 1। मतलब जब ये दोनों ही सिग्नल्स ऑन रहेंगे, मैंने आपको बताया था 1 यानी ऑन और 0 मतलब ऑफ, तो ये दोनों ही हाई वोल्टेज पे रहेंगे मतलब ऑन स्टेट पे रहेंगे, तो आउटपुट हमें क्या मिलने वाला है, ऑन मिलने वाला है। अदरवाइज कोई एक भी यदि ऑफ होता है तो आउटपुट हमें ऑफ ही मिलेगा, मतलब 0 ही मिलेगा। अब ये मैंने आपको दो इनपुट के लिए बताया, इसी तरीके से आप जब तीन इनपुट की बात करेंगे 0 0 0, तो 2 की पावर 3 कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे, और आपको ऑन स्टेट कब मिलने वाली है, जब तीनों में ही क्या हो 1 1 1, तीनों में ही 1 1 1 रहेगा तो आपको आउटपुट 1 मिलेगा, नहीं तो किसी भी कॉम्बिनेशन में आपको आउटपुट 0 ही मिलने वाला है, राइट। तो ये याद रखिए, एंड गेट का मतलब होता है कि दोनों ही पे पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों ही पे ऑन होना चाहिए, तो ही 1 रहेगा, अदरवाइज एनी अदर कंडीशन इट विल बी 0 और ऑफ स्टेट, क्लियर। तो ये हुआ हमारा एंड गेट। तो जिस तरीके से मैंने आपको अभी अभी बताया, उस तरीके से आप सिंपली अपनी लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दिस इज द सिंबल ऑफ एंड गेट एंड द फंक्शनिंग ऑफ द एंड गेट कैन बी अंडरस्टैंड बाय द ट्रूथ टेबल एज शोन इन बिलो, और आप ट्रूथ टेबल बताइए, और जिस तरीके से हमने देखा उसको आप अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा एक्सप्रेस कर दीजिए। इसके बाद हम आते हैं और गेट पे। अब ये और गेट क्या कहता है, ठीक है। और गेट, और का मतलब होता है या, और एंड का मतलब क्या होता है, और, ठीक है। हमें पता है ना हिंदी में एंड मतलब और मतलब ये भी और ये भी, ऐसा आप याद कर सकते हैं कि ऑन ये भी ऑन हो, ये भी ऑन हो तभी ऑन होगा,
और हिंदी में और का मतलब क्या होता है, या। बस अब आपको समझ में आ गया, या बोला मैंने तो क्या होगा इसका ट्रूथ टेबल का काम, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या होगा, इस तरीके से ये आपको बनाना है आर्क में, और ये इस तरीके से बनाना है, राइट। ये आर्क में दिखता है थोड़ा सा घुमावदार। तो ये हो गया और गेट का सिंबल। और गेट की अगर ट्रूथ टेबल की बात करें, हम दो कॉम्बिनेशन में बता रही हूँ, तीन कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, जितने इनपुट चाहे आप ले सकते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन के लिए हम दो कॉम्बिनेशन में जो लॉजिक समझ रहे हैं, जो फंडा अप्लाई कर रहे हैं, वही किसी भी इनपुट, किसी भी नंबर ऑफ इनपुट के लिए अप्लाई होगा, ठीक है। तो 0 0 से लेते हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1, यही कॉम्बिनेशन होंगे। ये हो गया एक्स इनपुट, ये हो गया वाई हो गया, और ये हो गया आउटपुट। अब ये या गेट है, मतलब और गेट है, तो इसका मतलब ये है कि किसी एक पे भी यदि ऑन हो जाए, कोई भी एक चलेगा। और आपको क्वेश्चन आते हैं ना कि ये कीजिए या ये कीजिए, और कोई कोई बंदे दोनों आते हैं तो दोनों कर देते हैं, ठीक है। तो कोई भी एक यदि ऑन रहेगा तो यहाँ पे ऑन आएगा, और दोनों आने हैं तो दोनों आने तो बहुत ही अच्छी बात है, तो भी आप ऑन हो तो भी आप पास हो जाओगे दोनों कर दोगे तो, ठीक है। तो 0 0 है तो 0, बाकी किसी में भी यदि 1 है, चाहे एक में हो चाहे दो में हो, आपको ऑन यानी 1 आउटपुट मिलने वाला है, ठीक है। तो और का मतलब क्या होता है, या। तो किसी भी एक में यदि इनपुट आपका 1 है तो आपको आउटपुट मिलने वाला है 1। किसी भी एक में का मतलब ये है कि दोनों में भी 1 हो तो भी आउटपुट आपको क्या मिलने वाला है, 1, राइट। याद करते चलिए साथ में। तो ये हो गया और गेट। इसके बाद हम आते हैं नॉट गेट पे, राइट। अब नॉट गेट, नॉट गेट का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। तो नॉट गेट का ये है कि 1 अगर आएगा तो 0 हो जाएगा, और 0 अगर आएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो नॉट गेट का सिंपल ही ट्रुथ टेबल अगर बनाए तो 0 है तो 1, और 1 है तो 0। ये हो गया आउटपुट और ये हो गया इनपुट, ठीक है। तो ये कहलाता है नॉट गेट। मतलब अगर हाई वोल्टेज आया तो इसके बाद क्या हो जाएगा, वो लो हो जाएगा। लो वोल्टेज आया तो इसके बाद क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। तो सिंपल है नॉर गेट। अब हम देखते हैं एक्स और गेट। तो ये हो गए हमारे बेसिक गेट, अब हम देख रहे हैं एक्स और गेट। इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। पूरा नाम क्या है इसका, एक्सक्लूसिव और गेट, ठीक है। अब ये दिखता कैसा है, ऐसा दिखता है, एक्सक्लूसिव और है ना, तो पहले तो और दिखेगा और फिर एक ये एक्सक्लूसिव वाला एक आर्क और बन जाएगी इसमें, ये ऐसा दिखेगा आपको। तो ये हो गया एक्स इनपुट, ये हो गया वाई इनपुट, और ये आउटपुट अपन ने ओ मान लिया, एन मान लिया, जो भी मानना है मान लीजिए। अब इसका ट्रूथ टेबल बता देते हैं कि इसकी फंक्शनिंग क्या होगी। 0 0 0 1 1 0 1 1, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये आउटपुट हो गया। ये एक्सक्लूसिव और गेट की फंक्शनिंग ये कहती है कि यदि इन दोनों इनपुट में से किसी एक में अगर 1 है, किसी एक में 1 यहां मिल रहा है, किसी एक में 1 यहां मिल रहा है, तो ही आपको आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। दूसरी अदर कंडीशन में आउटपुट क्या आ जाएंगे, 0। एक्सक्लूसिव और गेट ये कहता है कि एक्सक्लूसिवली सिर्फ एक पर ही हमें क्या मिलना है, ऑन स्टेट मिलना है, तभी आउटपुट जो है वो ऑन होगा, नहीं तो आउटपुट जो है वो ऑफ होगा, फॉल्स होगा, यानी कि 0 0 होगा। ये बात ध्यान रखिए, 1 यानी ऑन, 0 यानी ऑफ, ठीक है। तो ये हो गया एक्सक्लूसिव और गेट, राइट। अब हम देख लेते हैं इनके NAND गेट, NOR गेट और XNOR गेट। XNOR गेट को ही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले, क्योंकि ये लिखा हुआ है यहाँ पे। देखिए ये जो NOR वाले आएंगे ना, NOT वाले गेट, इनकी फंक्शनिंग जस्ट रिवर्स होगी इनके बेसिक गेट से। जैसे सपोज ये XOR गेट है,
अगर इसका मुझे एक्सनोर बनाना है, ठीक है, तो मुझे क्या कर देना है, यहां लिख देती हूँ मैं एक्सनोर, ठीक है, ये फिफ्थ नंबर मान लीजिए अब, हालांकि वो सेवन नंबर था, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे लगा देना है यहां पे एक नॉट गेट, क्या लगा देना है, नॉट गेट, और अब इसका आउटपुट बनाना है, ठीक है। तो इसका जो सिंबल हो जाएगा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन इस तरीके से हो जाएगा। यहां पे आप है ना, थोड़ा सा ये गोला लगा दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका सिंबल, किसका, एक्स नॉट गेट, ठीक है, समझ में आया। एक्चुअली इसको कंबाइन करके हमने क्या कर दिया है, ये सिंबल इसका बना दिया है। ये एक्स इनपुट ले लीजिए, ये वाई ले लीजिए, ये आउटपुट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो नॉर गेट होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, जो एक्सऑर गेट का आउटपुट था उसका जस्ट हमने क्या कर दिया, यहाँ क्या लगा दिया, नॉट गेट। नॉट गेट का काम क्या है, जीरो का वन बना देना और वन का जीरो बना देना। तो जीरो का वन बना दिया और वन का क्या बना दिया, जीरो बना दिया। तो ये एक्स नॉट गेट का आउटपुट हो जाएगा। अरे बात समझ में। तो ये नॉट वाले जो गेट है, जो एंड के साथ नॉट लगा के बनाए गए हैं, और के साथ नॉट लगा के बनाए गए हैं, या एक्सऑर के साथ नॉट बना के गए, लगा के बनाए गए हैं, उनका फंक्शनिंग आपको दिक्कत नहीं है समझने में। उसमें एक्चुअली हमने क्या किया, उसके आउटपुट को एक बार क्या कर दिया, पलट दिया है नॉट गेट लगा के। यदि वन आ रहा है तो जीरो हो जाएगा, जीरो आ रहा है तो वन हो जाएगा, राइट। तो मैं जल्दी से इसको कवर कर लेती हूँ। तो नैंड गेट का कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, भैया आप एंड गेट बना लीजिए, एंड गेट बना लिया, ठीक है, बना लिया। इसके बाद आप क्या करिए, इसमें नॉट गेट लगा दीजिए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, नैंड गेट। इसको कंबाइनली कैसे बना दूंगी मैं, इस तरीके से बना दूंगी। तो ये हो गया हमारा सिंबल, नैंड गेट का सिंबल। इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा, यदि आपको याद हो गया है तो डायरेक्ट बना लीजिए, या फिर आउटपुट करके आप यहाँ रिवर्स एक और आउटपुट बना लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एंड गेट का आउटपुट क्या होता था, जब यहाँ पे वन होता था तभी वन होता था, बाकी क्या होता था, जीरो जीरो, ये क्या था, एंड गेट का आउटपुट, ठीक है। तो नैंड गेट का आउटपुट क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब रिवर्स हो जाएंगे, जीरो का वन, जीरो का वन, जीरो का वन और वन का जीरो, ये आउटपुट आप क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। तो ये बन जाएगा हमारा इसका नैंड गेट का ट्रुथ टेबल, राइट, समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब हमें इसी तरीके से क्या देखना है, क्या देख लेना है, हमारा कौन सा गेट, नॉर गेट, सेवन नंबर, यहां पे नॉर बना लीजिए, ये हो गया नॉर गेट, ये हो गया नॉर गेट, ये लीजिए, ये एक गोला लगा दिया, ठीक है। नॉर गेट क्या कह रहा था, जो और गेट कह रहा था उसका उल्टा कहेगा। और गेट क्या कह रहा था, यहाँ पे एक भी जगह अगर वन है तो, एक भी जगह वन है तो वन आ जाएगा, दो जगह है तो भी आ जाएगा, ठीक है। तो नॉर गेट क्या कहेगा, नॉर गेट इसी के आउटपुट को आप क्या कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए, जीरो का वन और बाकी जगह जीरो। मतलब नॉर गेट ये कहता है कि यदि जीरो जीरो है तो वन होगा और बाकी जगह क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। तो ये नॉर गेट का ट्रुथ टेबल, इस तरीके से आप समझ सकते हैं, सिंपल है, नैंड की कोई दिक्कत नहीं होगी। नैंड मतलब नैंड और नॉर और जो भी आपका एक्स नॉर गेट है उसमें कोई परेशानी नहीं है। अगर आपने बेसिक फंक्शनिंग समझ लीजिए, समझ ली है एंड गेट की, और गेट की, और एक्स और गेट की, तो आप आसानी से उसका रिवर्स कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा लॉजिक गेट का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर एक बात जो इम्पोर्टेंट है, जो अक्सर एमसीक्यू में पूछ ली जाती है, वाइवा में पूछ ली जाती है, नॉर गेट और नैंड गेट जो कहलाते हैं यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट कौन से कहलाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ये जो हमने लास्ट में अभी देखे हैं, नैंड गेट, नैंड गेट ही कहा ना मैंने, नॉर गेट, ठीक है, नैंड और नॉर, एंड का नॉट और का नॉट, ये दोनों गेट जो कहलाते हैं, कहलाते हैं क्या, यूनिवर्सल गेट। क्यों कहलाते हैं ये, क्योंकि इन गेट के कॉम्बिनेशन से आप किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कैसे कर सकते हैं। तो यूनिवर्सल गेट कौन से कहलाते हैं, एंड का उल्टा मतलब एंड गेट,
और एन और गेट जो नॉर और नैंड अगर डायरेक्ट पढ़े तो ये यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा गेट क्या है। बाय बेसिकली ये जो हम पढ़ रहे हैं 1-0 के फॉर्म में कॉम्बिनेशन है, किस तरीके से इसकी फंक्शनिंग हम समझ सकते हैं ट्रुथ टेबल के थ्रू, और वेरियस काइंड के हमने सिम्बॉल देखे, वेरियस काइंड के हमने गेट्स देखे यहाँ पर। तो वीडियो तो आपको अच्छा लगा ही होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।